हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। आज है 2 अगस्त। तो अभी अभी मैंने एक ब्लॉग कंप्लीट किया है, मतलब उसको एंड किया है, और मैंने अभी ये नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो आपको पता ही है, पिछले ब्लॉग में आपने देख ही लिया है कि आंटी की तबीयत खराब हो गई थी और मेरी भी तबीयत खराब थी। अभी थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है फिलहाल तो, और उसी जगह पे मैं बैठी हूँ जिस जगह पे मैंने ब्लॉग एंड किया था वो वाला, और यहाँ पर ही मैंने दूसरा ब्लॉग जो है वो स्टार्ट किया है। और हाथ जो है काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है क्योंकि काफ़ी देर से मैं बात कर रही थी आपसे, और इसी वजह से मेरा ये हाथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेन कर रहा है अब। तो मैंने दूसरे हाथ में पकड़ लिया है, और अभी बज रहे हैं 5 बजने वाले हैं, और इनका कॉल आया था मुझे, आंटी के घर पे थी उसी टाइम मुझे इनका कॉल आया था, और ये बोल रहे थे कि हमें डीमार्ट जाना है। मैं आपसे कितनी दिनों से बोल रही हूँ कि मुझे डीमार्ट जाना है, डीमार्ट जाना है, क्योंकि ग्रॉसरी ख़त्म होने पर ही आई है पूरी। और पिछली बार अच्छा हुआ था कि मैंने थोड़ी ज़्यादा ग्रॉसरी ले ली थी, तो इसी वजह से वो अब तक चल रही है मेरी, नहीं तो पूरी ख़त्म हो जाती। और ग्रॉसरी ख़त्म होने पर ही आई है, कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ले ली थी इसी वजह से वो तो है, बट कुछ चीज़ें जो है वो ज़्यादा हम लोग ले नहीं सकते, इसी वजह से वो चीज़ें ख़त्म होने पर ही आई है। और 4-5 दिनों से कंटिन्यू जो बारिश हो रही थी, इसी वजह से बाहर निकलना भी नहीं हो रहा था हमारा। और कितने दिनों से मैं आपको व्लॉग में बता रही हूँ कि मुझे डीमार्ट जाना है, डीमार्ट जाना है। फाइनली वो दिन आ गया कि मुझे डीमार्ट जाने के लिए मिल रहा है, और ग्रॉसरी मुझे लानी ही है क्योंकि अभी चीनी वगैरह पूरी ख़त्म होने पर ही आई है, थोड़ी सी ही बची है, मतलब आज के दिन तो चल जाएगी। बस इतना ही था, और अभी मैं रेडी हो जाऊंगी थोड़ा। उन्होंने बोला है कि ड्यूटी से वो आने वाले हैं, तो अद्विक तो आपको पता ही है कि अद्विक आंटी के घर पे ही रुका है, और मैं माही को लेके घर पे आ गई थी, तो अभी माही वगैरह रेडी हो जाएगी, अद्विक तो रेडी है, तो बस मैं रेडी हो जाती हूँ और जल्दी से फिर हम लोग जाते हैं डी मार्ट, और ये आ जाएंगे ड्यूटी से अभी। तो इन्होंने खाना भी नहीं खाया है सुबह से, बस ब्रेकफास्ट करके गए थे। तो आज मैंने, आपको पता ही है कि मैंने आज उपमा, ओ सॉरी उपमा बोल रही हूँ, मैं कुछ अलग ही बोल देती हूँ, जो बोलने जाती हूँ वो मुझे आता ही नहीं है, क्या उपमा नहीं, शीरा, शीरा, अच्छा शीरा नहीं, हाँ हलवा, सूजी का हलवा। इन्हें नहीं पता होगा, कुछ मराठी होंगे उन्हें समझ में आएगा मैं शीरा बोलूँगी तो, बट हाँ आपको समझ में नहीं आएगा, बाकी के जो मराठी नहीं होंगे वो जो मुझे देख रहे होंगे। तो मैंने सूजी का हलवा बनाया था आज, और सूजी का हलवा खा के गए थे, बट वो खाना खाने के लिए नहीं आए थे, और अभी बज रहे हैं 5 और उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो अभी वो आने के बाद शायद खाना खाएंगे, और उसके बाद हम लोग जाएंगे डी मार्ट और डी मार्ट में शॉपिंग करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। तो चलिए फिर मैं रेडी हो जाती हूँ पहले, और उसके बाद मिलते हैं। सो गाइज, मैं रेडी हो चुकी हूँ, और मैंने पहना है ये मस्टर्ड येल्लो टॉप, ये क्रॉप टॉप है, और पहना है ये ब्लू जीन्स। एक सेकेंड दिखाती हूँ, तो इस तरह से मैं रेडी हो चुकी हूँ और वेट कर रही हूँ इनके आने का। तो ये अभी तक आए नहीं हैं, और माही रेडी हो रही है, और अद्विक भी आया नहीं है, तो अद्विक को शायद अंकल लेके आएंगे यहाँ पे। तो मैं इनको कॉल करती हूँ पहले, और बाद में आपसे बात करती हूँ। सो मैंने अंकल से बात कर ली है, तो अंकल बोल रहे थे कि वो लेके आएंगे अद्विक को, और साथ में उन्हें भी लेके आएंगे जिनको मैंने बोला था, जिन्होंने अंकल के घर का फर्नीचर बनाया है, उनको भी साथ में लेके आएंगे, और मेरे घर का फर्नीचर दिखाने के लिए, मतलब कहाँ पे हमें बनाना है, और बजट वगैरह दे देंगे वो लोग। तो इसीलिए वो अभी आने वाले होंगे, तो मैं आपको दिखाई देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या उन्होंने बोला है क्या करने के लिए। मैं अभी पूरा लुक दिखा देती हूँ अपना, और माही भी रेडी हो चुकी है, तो माही हाय बोल दो। हाय। माही भी रेडी हो चुकी है, और मेरा भी माही को बोलती हूँ कि लुक दिखाने के लिए पूरा। तो चलिए फिर देख लीजिए मेरा पूरा लुक। तो गाइज ये आ गए हैं, और बारिश स्टार्ट हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। बट ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी हुई है, तो अभी पता नहीं ज़्यादा आएगी, तो फिर भी आज तो जाना ही है पक्का। अब रेडी हो चुकी हूँ तो जाना तो है ही, तो देखेंगे अब।
तो चलिए फिर इनको पूछती हूँ मैं खाना खाएंगे या नहीं तो, और खाना खाएंगे तो मैं इनको परोस देती हूँ खाना, और नहीं खाएंगे बोल रहेंगे तो फिर वो रेडी हो जाएंगे, उसके बाद हम चलेंगे फिर डी मार्ट। सो गाड़ी हमने ढक के रख दी थी, मतलब बारिश हो रही थी इतने दिनों से तो काम तो पड़ा नहीं, तो इसी वजह से हमने क्या किया था, गाड़ी ढक के रख दी थी। तो गाड़ी जो है वो ब्रांड न्यू लग रही है अभी, क्योंकि इन्होंने वॉश करके रख दी थी और ढक के रख दी थी, इसी वजह से अभी चकाचक लग। तो आपने देख ही लिया कितनी, मतलब ऐसे लग रही है कि अभी शोरूम से लाई है। तो चलिए फिर, अद्विक तो आया नहीं अभी तक, तो मैं दोबारा अंकल को कॉल करती हूँ। तो हम निकल चुके हैं और जो फर्नीचर वाले आने वाले थे घर पे तो वो आए नहीं हैं, और अद्विक जो है वो अंकल के घर पे ही है, तो हम लोग अभी अद्विक को वहाँ पर लेने जा रहे हैं, और वहाँ से लेके अद्विक को हम लोग चले जाएंगे डीमार्ट। तो चलिए फिर जाते हैं। उड़े हैं अद्विक, अद्विक 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 चल चल, अद्विक चलायचं नाहीये, डीमार्टला जायचंय ना आपल्याला, पप्पा आले ना। पहुंच गए हैं डी मार्ट और पार्किंग में गाड़ी लगा दी है, अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर। त्याच्या मापाचा मिळतच नाही,
हम लोग निकल चुके हैं डी मार्ट से, शॉपिंग हमारी हो गई है और ये दोनों पीछे मस्ती कर रहे हैं। मिलती हूँ मैं आपसे सीधा अभी घर जाने के बाद। आप देख सकते हो बारिश शुरू हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ ग्लास पे, देखिए। तो यहाँ पर हम एक शॉप में रुक गए थे और माही को लेना था फ्रेंडशिप बैंड्स उसके फ्रेंड्स को बांधने के लिए, क्योंकि संडे को छुट्टी थी, संडे को फ्रेंडशिप डे था और संडे को छुट्टी थी, इसी वजह से वो सैटरडे को ही उसके फ्रेंड्स को फ्रेंडशिप बैंड्स बांधने वाली थी, इसी वजह से हमने यहाँ से फ्रेंडशिप बैंड्स लिए थे और उसके बाद हम घर चले गए थे। तो गाइस मैं आ गई हूँ अभी घर पे और शॉपिंग हमारी हो गई है, काफ़ी ज़्यादा सामान हो गया है आज, मतलब ग्रॉसरी शॉपिंग और थोड़ा सा कुछ और भी लिया है तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, मतलब 7000 तक का सामान हो गया है। और बस काफ़ी दिनों से मैं कर रही थी डीमार्ट जाना है, डीमार्ट जाना है, डीमार्ट जाना है, फाइनली डीमार्ट गए और शॉपिंग करके आ गए तो बस हो गया है। जब चलिए फिर मैं अभी चेंज करती हूँ और मुझे बनाना है डिनर, तो डिनर की तैयारी करती हूँ, तो चलिए चेंज करती हूँ जल्दी से। सो गाइस चेंज मैंने कर लिया है और अभी मैं बनाने जाने वाली हूँ डिनर। तो डिनर में मैं बनाने वाली हूँ मूंगफली की जो सब्जी होती है वो बनाने वाली हूँ, पतली मूंगफली की सब्जी, जिसे मूंगफली की क्या बोलते हैं उसे, आमटी भी बोलते हैं मराठी में, तो वो मैं बनाने वाली हूँ और काफ़ी ज़्यादा इजी है और काफ़ी जल्दी बन जाती है, इसी वजह से मैं आज वही बनाने वाली हूँ और काफ़ी टेस्टी भी लगती है, तो आप भी ट्राई करना और मैं अभी उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर जल्दी से बनाते हैं डिनर और फिर डिनर भी करना है हमें, और अभी बज रहे हैं 8 तो मुझे जल्दी से आधे घंटे में डिनर बनाना है और जल्दी से खाना खाना है, तो चलिए फिर जल्दी से बनाती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। गाइस मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें मैं डालूँगी मूंगफली, और मूंगफली हमें भून लेना है अच्छे से, मूंगफली को भून लेना है और उसके छिलके निकाल के उसके बाद हमें उसे पीसना है। यहाँ पर मैंने मूंगफली के छिलके निकाल लिए और एक मिक्सी के पॉट में डाल दिया है, तो अभी मैं इसे पीस लूँगी अच्छे से और उसके बाद इसकी सब्जी बनाएंगे। इस मूंगफली को आपको बिल्कुल मोटा नहीं पीसना है, आपको फाइन पेस्ट करना है इसका, और मैं इसे चेक करती जाऊंगी बीच बीच में और उसमें पानी ऐड करती जाऊंगी, क्योंकि इसका फाइन पेस्ट चाहिए हमें, एकदम चिकना पेस्ट चाहिए हमें इसी वजह से, तो पानी ऐड करते जाना है और एकदम चिकना पेस्ट हमें बनाना है इसका। सकते हो इस तरह से इसका पेस्ट बनेगा और पेस्ट रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें ऑयल ऐड कर दिया है और उधर मैं प्याज काट रही हूँ। ऑयल गर्म हो जाने के बाद उसमें हमें ऐड करना है जीरा और जो हमने प्याज काट के रखा है उसमें ऐड करना है हमें, और प्याज को अच्छे से भून लेना है। प्याज जब अच्छे से भून जाता है, गोल्डन ब्राउन कलर आ जाता है प्याज को, तब हमें उसमें मसाले ऐड करने हैं। प्याज यहाँ पर भून गया है और उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी कि लहसुन और अदरक का पेस्ट, और उसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। सारा अच्छे से भून जाने के बाद हमें इसमें ऐड करना है थोड़ा सा चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, क्या लाल मिर्च पाउडर और हल्दी थोड़ी सी और गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर, तो सारा इसमें ऐड कर देने के बाद इसे भी अच्छे से भून लेना है और जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो उसमें ऐड करना है हमें, जो मूंगफली का पेस्ट हमने बना के रखा था वो इसमें ऐड करना है हमें, और सारी चीज़ों को हमें अच्छे से चला लेना है और गैस के पावर को कम करना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर मिक्सर के पॉट में पानी डाल के उसमें डाल दे रही हूँ जो बचा हुआ था, और हमें ऊपर से नमक भी ऐड कर देना है इसमें, थोड़ा सा पानी कम पड़ रहा था तो और मैंने पानी उसमें ऐड कर दिया है, तो हमें थोड़ी सी पतली चाहिए होती है ये सब्जी और ठंडी हो जाने के बाद और गाढ़ी हो जाती है, इस वजह से थोड़ी सी पहले ही पतली करनी पड़ती है। बस थोड़ा सा कम आँच पर इसको उबाल आने देना है, नहीं तो ये ऊपर आ जाएगा, कम आँच पर ही इसको उबाल आने देना है और थोड़ा सा चम्मच चलाना है इसमें आपको। पर लास्ट में मैंने इसमें ऐड कर दिया था नमक भी, तो नमक आपको लास्ट में ऐड कर देना है और इसी तरह से थोड़ा सा इसको उबलाने देना है, और बस हो गई है सब्जी रेडी आपकी, और उसमें फिर गार्निशिंग के लिए धनिया वगैरह ऐड कर देना है आपको,
और बस थोड़ी सी ठंडी होने देना है आपको इस सब्जी को। थोड़ी देर ठंडी हो जाने के बाद इसमें थोड़ा सा ऊपर ऑयल भी आ जाएगा और जो ये झाग दिख रहा है आपको वो भी चला जाएगा। तो इस तरह से आपको ये सब्जी बनने के बाद दिखेगी। सो डिनर रेडी हो गया है और बारिश हो रही है बाहर, तो बारिश बढ़ गई है अभी, क्योंकि हम लोग आए तभी बारिश हो रही थी, थोड़ी सी कम थी बट अभी ज़्यादा हो रही है। उस टाइम तो थोड़ा सा कम था, मतलब बाहर तो आई, लेकिन जब हम लोग, एक मिनट लाइट लगाती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ, जब हम लोग निकले ना तो उस टाइम बारिश हो रही थी, तो बस थोड़ी 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 हो रही थी, बट जब हम लोग घर पे आए तो बारिश रुक गई थी और अभी दोबारा से स्टार्ट हो गई है। अच्छा हो गया, आज डीमार्ट की शॉपिंग हो गई है और फाइनली आज डीमार्ट की शॉपिंग हो गई है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको बारिश कैसी हो रही है। अभी रात का टाइम है तो आपको इतना दिखेगा नहीं, बट काफ़ी अच्छे से बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा तेज़ भी नहीं है बट है। तो चलिए फिर डिनर कर लेते हैं। और हाँ, इस ब्लॉग को मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ, रुके मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ, इस ब्लॉग को मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मेरे। तो जाते जाते, हाँ लाइक, ये कौन सा लाइक, हाँ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और हाँ, मुझे इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना, इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके, ऐसे मत करो, वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो आप। और बस टिल देन, बाय बाय एंड गुड नाइट, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टिल देन, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट।